Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग एक new horror game खेलने जा रहे हैं. जिस game की story के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम तो नहीं है, but इतना ज़रूर पता है कि हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि ये game बहुत ज़्यादा horror लग रहा है. Alright guys, welcome to Infliction. तो फिलहाल अभी हम लोग शायद से कार ड्राइव करके कहीं पर तो जा रहे हैं, और ओ हमें 100 मैसेजेस आए हुए हैं, और ये रोड काफी ज्यादा हॉरर नहीं लग रहा. शायद से कोई वॉइस मैसेज है इसकी गर्लफ्रेंड या फिर इसकी वाइफ का, और उसने हमें कुछ काम बोला है, मैंने ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस हॉरर रोड पे है. ओए सामने पुलिस वालों की गाड़ी, और यहाँ लेफ्ट में एक एक्सीडेंट हो रखा है. कोई गाड़ी पेड़ पे जाके भिड़ी हुई है बहुत बुरी तरह. कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है. काफ़ी डिफरेंट स्टार्टिंग है एक हॉरर गेम की, बट हाँ यार जो भी हो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब हॉरर रोड है, अंधेरा है इसलिए हॉरर है, बट ऐसा नहीं कि जंगल है, कोई रहता नहीं है, अगल बगल अच्छे खासे घर है. और हम लोग अपने घर पे ही आ रहे थे शायद ऑफिस से ड्राइव करके वापस, और गैराज में ला के हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है. गाड़ी से बाहर नहीं, ऑब्जेक्टिव फाइंड द प्लेन टिकट्स. ओ एक मिनट, योर वाइफ लेफ्ट अ मैसेज ऑन योर कार फोन आस्किंग यू टू फाइंड हर प्लेन टिकट्स. शी इज स्टक एट द बोर्डिंग गेट एंड कांट फाइंड देम. सर्च द हाउस टू फाइंड द टिकट्स. ऑलराइट, तो शायद से इस गेम में अपनी जो मतलब इसकी जो वाइफ है वो अपनी प्लेन टिकट्स यहीं पर भूल गई है, और उसे कहीं जाना होगा तो वो एयरपोर्ट में जो बोर्डिंग एरिया है वहाँ पर जाकर अटक चुकी है. तो अब शायद मुझे वो टिकट्स ढूंढनी है और उसको एयरपोर्ट पे वो टिकट देने जानी है, ताकि वो उसकी फ्लाइट मिस ना हो. बाकी मुझे यहाँ से एक टॉर्च मिला है, और घर में इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? एफ यूज़ फ्लैश लाइट. नाइस, तो अभी जाके मुझे थोड़ी बहुत रोशनी दिखी है. ये अपना गैराज है जहाँ पर हमने अपनी कार ला के पार्क कर दी है. प्लेन टिकट्स कहाँ पर हो सकती है मुझे वो ढूंढना होगा, बट उससे पहले चलते हैं घर के अंदर. यहाँ पर एक मस्त गेट, लाइट. नाइस, तो ये लाइट जला दो. बट इलेक्ट्रिसिटी कट है क्या घर की? लाइट मैंने जलाई बट लाइट जली नहीं. मेरे को लग रहा है पूरे घर की नहीं, इस पूरे के पूरे एरिया में लाइट गई हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हो सकता यार. इतने बड़े बड़े सबके घर है, अच्छा खासा कमाते होंगे, तो लाइट्स तो जला ही सकते हैं एटलीस्ट अपने घर के बाहर की. बाकी यहाँ पे फ्रिज है. मेरे को यार टिकट ढूंढनी है, फ्रिज में मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ पर सामने एक गेट और है, ये ओपन करते हैं. सारे के सारे गेट लॉक क्यों है अंदर से यार? मतलब हाँ मालूम है घर पर कोई नहीं है, गेट लॉक होना चाहिए, बट फिर भी मेरे पास की तो होना चाहिए. मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरा ही घर है. यहाँ पर एक डोर और है, ये ओपन हो जा. भाई ये घर के बैकयार्ड का था, मतलब मैं अभी भी घर के अंदर नहीं आया हूँ, मैं घर के बैकयार्ड में आ चुका हूँ. यहाँ पर एक गेट हो रहा है, शायद मैं इसके थ्रू. ये भी गेट लॉक है, ये अपना घर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर. यहाँ पर एक मस्त साइकिल, और क्या खतरनाक मौसम हो रखा है भाई. हेलो, वैसे सच्ची बताऊँ तो ये मौसम भले ही हॉरर होता है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जैसे रियल लाइफ में. वैसे रात में मस्त आंधी चलना, बारिश नहीं बस ऐसी हवा चलना बहुत तेज, और ऐसे बादल. आपको कैसा लगता है कमेंट्स में जाके जरूर बताना. बट हाँ यार ये बहुत ज़्यादा हॉरर वेदर है अगर आप लोग अकेले हो तो, बट अगर ऐसा कोई साथ में है तो एकदम मस्त चिल वाला मौसम है. ये इतना अंधेरा यार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. घर की बैकयार्ड में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर एक पाइप जा रही है. पाइप 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 कहाँ पर जा रही है ये? ओए घर तो दिख गया. बाकी यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कोई है नहीं यार, ये वहम है, कोई भी नहीं है. घर के अंदर चलता हूँ. यहाँ पर गेट प्लीज़. ओके ये वैसे भी ग्लास डोर है, ये लॉक है, मतलब लॉक वाला नहीं था तो इसलिए ये ओपन हो गया, और मैं घर की किचन में आ चुका हूँ. और जहाँ तक मुझे लगता है कि किचन में प्लेन टिकट्स नहीं होने चाहिए. पता नहीं उसने कहाँ पर रखे हैं, मैसेज तो कर दिया, एटलीस्ट बता तो देती कि टिकट्स है कहाँ पर. बाकी यहाँ पर कुछ तो है ये. अब वेट मैं इसे कैसे देखूँ? ये तो मेरी लाइट है. ओ न्यू मेमोरी अनलॉक, व्यू अनलॉक मेमोरीज इन द मेन्यू. तो शायद से ये पुरानी यादें हैं इसकी इसकी वाइफ के साथ, जो कि हमें यहाँ से देखनी है. मैगीज ड्राइंग, शायद इनकी बेटी की ड्राइंग होगी कोई. ठीक है यार मुझे टिकट्स देनी है, अपना फर्स्ट टास्क वो है, मैं वो कंप्लीट करने में ध्यान देता हूँ. क्योंकि किचन के किसी ड्रॉर वगैरह में तो नहीं है. ओ ये क्या है? नहीं ये तो यार रोल है जो सिल्वर फॉइल वाला होता है. नहीं सारे के सारे ड्रॉर्स चेक कर लिए यार, किचन में मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं होगी. बट एक बारी फिर भी फ्रिज व्रिज में चेक कर लेता भाई, कुछ भरोसा नहीं है इस गेम का मुझे. यहाँ पर एक डब्बा है, इसको वापस रखो यार, यहाँ से निकलो. यहाँ पर एक पेंटिंग है, ये इस पर एक डॉग बना हुआ, शायद से डॉग भी अपना ही है. यार अपना इतना बड़ा घर है लेकिन पूरा का पूरा घर खाली है, मतलब कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं घर पर. शायद इसकी एक बेटी है जो कि मतलब इसकी वाइफ के साथ ही बाहर गई हुई है. इनका एक डॉग था वो भी घर पर नहीं है, वो भी साथ ही गया होगा, बट प्लेन में डॉग्स थोड़े जाते हैं.
पता नहीं क्या, ठीक है अभी यहाँ पर मैं इस वाले रूम में आ चुका हूँ और ये शायद से इन्हीं का बेडरूम है, तो क्या पता इस ड्रॉर में टिकट्स हो, प्लीज मिल जा ये वाला ड्रॉर। एक तो यार घर में ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ऊपर से मैं सारी चीजें ढूंढ रहा हूँ कुछ मिल नहीं रही, और ये किस चीज की आवाज थी, ऐसा लगा कोई गेट, ये गेट अपने आप खुला क्या, मैं वरी से ओपन कर, हवा चल रही है शायद बाहर, तो कहीं ना कहीं से हवा अंदर आ रही है और गेट ओपन हो गया होगा। बाकी यहाँ पर टेबल पे रिमोट वगैरह रखे हुए हैं, टिकट्स मेरे को नहीं मिल रही कहीं भी। यहाँ पर एक टीवी है, ओ नाइस टीवी और हो गया, पता नहीं टीवी पे क्या आ रहा है, HPB। हो बे भाई डरा तो मत यार, बंद होए शोर कर रहा फालतू, थोड़ी देर में पता लगा भूत की वीडियो चल जाए यहाँ पे, फिर तो अलग ही सीन हो जाएगा। बाकी वाला रूम मैंने पूरा चेक कर लिया, टीवी यहाँ पर लगा हुआ था बट ऐसा कुछ खास मेरे को देखने को नहीं। यार बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं मेरे को सही में। इस वाले रूम में काफी सारी चीजें रखी है, तो हो सकता है यहाँ किसी जगह पर टिकट्स वगैरह पड़ी हो। और यार ये क्या क्या रखा हुआ है इस घर में, पता नहीं सिर्फ मॉन्स्टर मॉन्स्टर्स के मास्क वगैरह लगा रखे, देखना भाई पता नहीं कैसी गलती वाई बारी, इसको वापस रखो। बहुत सारी बुक्स है और शायद से यही ये इसकी बेटी है, एंड ये दोनों है शायद से, ये हमारा करेक्टर और ये इसकी वाइफ है। ठीक है अभी मेरे को पहले तो यार यहाँ से निकलना चाहिए, और यहाँ पर एक स्विच है, प्लीज़ लाइट ऑन हो जा। ओह वाओ, तो फाइनली अब जाके इस पूरे के पूरे घर की एक लाइट काम करी, वरना पता नहीं देखो स्विच क्यों लगा रखे, दबा रहा हो ना तो कोई काम ही नहीं हो रहा है इससे। क्या ठीक है मेरे को यहाँ से भी निकलना चाहिए, लेफ्ट साइड पे चल के देखता हूँ कि ओ ये तो मेन डोर है घर से बाहर निकलने का, ये वाली लाइट ऑन कर देता हूँ। बट घर से बाहर निकलने के लिए शायद इसमें मुझे कोई कोड वगैरह डालना होगा, बिकॉज ये लॉक है, बट मैं घर में फंसा थोड़ी हूँ जो मुझे बाहर जाना है, मेरे को तो टिकट ढूंढनी है ना। ये वाला गेट ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं अभी तक नहीं आया ना, ये दोनों डोर लॉक है। और यहाँ भाई किसी की आवाज़ आ रही है यार, गलती पता नहीं क्या यार, अजीब सी आवाज़ आई। और यहाँ पर एक टेलीफोन है, टेलीफोन में कुछ ऐसा खास तो है नहीं, इसको वापस रख देता हूँ। यहाँ पर एक और फोटो वगैरह बनी हुई, ये कुछ है, ये क्या है, बटर, ये तो टू डू लिस्ट है जो जो सामान बाहर से लाना होता है। ड्रॉर्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्या पता इस, ओ भाई मैं खुश हो गया था एक बार को ये वाला पेपर देख के, बट ये टिकट नहीं है। और ये टिकट ऐसी नहीं होगी यार, वो अलग ही होती है, मेरे को तो पता है कैसी है, ये इसी टाइप की होगी टिकट, बट ये टिकट नहीं है। कहाँ होगी टिकट, ये बंद करो सारी चीज़ें, पता नहीं कुछ काम का मिल ही नहीं रहा है पूरे घर में, इतनी सारी चीज़ें बना रखी है बट कुछ है नहीं। यहाँ पे सारे ड्रॉर्स बंद कर देता हूँ मैं, एक बारी यहाँ से चलते हैं लेफ्ट की तरफ में। अरे ये तो वही वाला रूम है टीवी वाला जिसको मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, और अभी मुझे इस घर के थोड़े बहुत रास्ते याद होने लग गए हैं। जैसे एक किचन है, लेफ्ट में बेडरूम है इसको चेक कर लिया, यहाँ पे टीवी वाला रूम है, इधर नॉर्मल हॉलवे है, ये दोनों डोर ओपन नहीं हो रहे, शायद ये एग्जिट का है और ये दूसरे वाले रूम में जाने का, या फिर ये कोई तो सीक्रेट रूम है। पहले ऊपर चलते हैं, मैंने अभी तक स्टेयर से ऊपर जाकर नहीं देखा कि आखिर भाई बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं है ये। यहाँ पर एक लाइट का बटन, ओ एक और लाइट जल गई सामने की, नाइस। यार सच्ची में कुछ अजीब ही आवाजें आने लग जाती है अचानक से। बाकी ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर रूम है शायद, जिसमें पुराना सारा घटिया सामान रखा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर और पुराना जो आयरन वाली जो बेंच होती है, बेंच या फिर स्टैंड जो भी बोलते हैं, वो रखा हुआ है। बाकी इस वाले रूम को मैंने अभी तक नहीं चेक करा, और शायद ये ओपन होएगा, नाइस। और ये भैंस की डांग डरा के, लाइट तो जलेगी नहीं, इसको बंद कर देता हूँ मैं एक मिनट, जो बंद कर सकता हूँ ना प्लीज़ यार, कोई धप्पा मत करना यार प्लीज़, इसको बंद करो। यहाँ पर कुछ है, ये क्या है, प्लीज सेंड फॉल्स सिक्योरिटी डोर्स 555-0516 कॉल फॉर अ फ्री, ओके ये शायद कोई सिक्योरिटी कोड वगैरह है, 555-0555 पता नहीं कुछ ऐसे था 5016 वगैरह। बाकी यहाँ पर ये ड्रॉर है जो कि ओपन नहीं हो रहा है, ये शायद से बाथरूम है, हाँ बाथरूम होना चाहिए, ऐसे ये बाथरूम है जहाँ पर अपना वार्डरोब वगैरह बना हुआ है काफ़ी ठीक ठाक। और इधर काफ़ी ज़्यादा गंदगी मची हुई है, छी भाई कितने साल से ये धुला नहीं है भाई, यहाँ पर बंदा नहाने आएगा गंदा होने आएगा, समझ ही नहीं आ रहा, इसको बंद करो, यहाँ अंदर जाऊँगा ही नहीं मैं, छी कुछ मिला नहीं काम का। और टिकट्स वगैरह तो है ही नहीं भाई यहाँ पर सच्ची में, टीवी चला के देखता हूँ, क्या पता टीवी पे टिकट्स आ जाए हमारी मैं कनेक्शन ही नहीं ले रखा भाई। वाओ यहाँ पर एक कुछ तो बॉक्स पड़ा हुआ है, और इस बॉक्स से कुछ निकला, इनकी शायद से रिंग है, ये देखो ये रही इनकी रिंग, और यहाँ पर कुछ तो डॉल्स निकले, बंद हो छी कुछ भी ढंग का समझ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पर एक बालकनी का डोर है स्लाइडिंग जो कि ओपन नहीं होगा, मुझे मालूम था, बंद हो भैंस की, मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे भी देखना होगा कि आखिरकार कौन सा रूम मैंने छोड़ दिया। ये वाला रूम चेक कर लिया था मैंने, ये वाला इनके बेबी का रूम है शायद से, जो इनकी बेटी का नाम है ना मैगी, ये उसी का रूम है। यहाँ पर कोई सो तो नहीं रहा ना, पता चला कोई बच्चा ही छोड़ के चला गया वो अपना। बाकी ठीक है यहाँ पर भी कुछ नहीं है, फालतू का सामान है, टिकट नहीं मिल रही मेरे को एक प्लेन की, इतना बड़ा घर है वो, ये कोई नहीं, ये रास्ता नहीं है, ये छोटा सा एक अलमीरा टाइप बना रखा है सामान वामान रखने के लिए।
कितने दरवाजे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। ये वाला रूम, ये तो चलो बाथरूम है, ये मेरे को चेक भी नहीं करना। ये छोटा बाथरूम है कॉमन वाला, और ये मैगीज रूम है। इनकी बेटी का दूसरा रूम है या फिर कोई दो बच्चे हैं इनके, हो सकता है दो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉग मेरे आसपास घूम रहा है यार, अजीब अजीब आवाजें आ रही है। इसको ओपन कर देता हूँ। कुछ है, कपड़े वगैरह रखे हुए इसके अंदर, तो उसके यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर है, क्या पता इसके ड्रॉर में उसने टिकट रख दिया हो, बट कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर टिकट रखने का। कनेक्शन इसमें भी नहीं ले रखा है इन्होंने टीवी का, बढ़िया बात है जो कि। अरे बंद हो, तू अलग से शोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनकी बेटी को शायद से सिंगिंग वगैरह का शौक है, तो इसे बंद ही कर देते हैं। इस वाले के रूम में कुछ मिला नहीं। यहाँ पर एक रूम हो रहा है जो कि लॉक है, और यहाँ पर ओह ये एक ड्रॉर है जिसमें कोड लगा हुआ है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड था ना, 555-0516। इसमें कितने डिजिट का डलने वाला है, मान लो 555-05, चार डिजिट का ही डलेगा। वेट, वो वाला कोड क्या था? मैं अरे शांत हो जा भाई, शोर ही करने लग गया वो तो। मैं एक बार ही ना गाइस कोड देख कर आता हूँ। मैंने जो बड़े वाला बेडरूम चेक करा था ना, हो सकता है उसके अंदर जो कोड था वही अपने काम का हो, तो उससे खुल सकता है शायद। यहाँ पर वो पड़ा हो, देखो भाई किसी डॉग की आवाज़ तो आ रही है मेरे को आसपास। ये अपने घर का जो डॉग है वो शायद बाहर ही है। 0516 कोड है, मान लो कोड है 0516, क्योंकि आगे वाले तीन डिजिट हैं, बाकी पीछे के तो चार डिजिट हैं। और अभी मेरा डर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सी फील आ रही है मेरे को इस घर से। मतलब ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, कुछ दिखा नहीं, अपने आप कोई लाइट बंद नहीं होगी, अपने आप कोई दरवाज़ा नहीं खुल गया, बट अपने आप बेमतलब की आवाज़ें ज़रूर आ रही है। तो कोड डालता हूँ मैं पहले यहाँ पर 0516। ओ नाइस, तो कोड एकदम सही डाला है मैंने, और गेट ओपन हो चुका है। यहाँ पर सामने एक कैलेंडर है, और ये शायद से अपना ऑफिस है। पूरे घर के फैन बेमतलब में चल रखे हैं। डॉक्टर काओ, यहाँ पर भी एक प्रिंटर, और ये टिकट, लेट्स गो। टिकट मेरे को मिल चुकी है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, ई टू टेक विद यू टिकट। मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने का साउंड था, मैं खाली पीली घबरा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ हुई भाई, ये क्या हो गया? मैं टिकट लेके अच्छा खासा बाहर जा रहा था, गेट अपने आप बंद हो गया, और ये शायद से इसकी वाइफ है। ओए, किसी ने उसे मार दिया यहाँ पे आके, और उसने वही मास्क लगा रखा है जो शायद नीचे पड़ा था मास्क। ओ यार, पूरा का पूरा रूम ही चेंज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये इतना सारा ब्लड कहाँ से आ चुका है। पहले तो एक बारी लाइट ऑन कर लेता हूँ, बट नहीं, लाइट ऑन नहीं होने वाली। मुझे एक बार ना यहाँ से यार बाहर निकल के देखना चाहिए कि आखिर ये मेरे घर को क्या हो गया। भाई इतना साफ सुथरा घर था, बट अभी पूरा नाश पिट चुका है। मेरी फ्लैश लाइट भी मेरे हाथ से नहीं, वो मेरे पास है, उसे बंद कर दूंगा तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई उसके। कौन है अंदर? हेलो, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मुझे यहाँ से नीचे चलना चाहिए। कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया अपने घर में अचानक से। मैंने इसकी वाइफ को लास्ट टाइम मरते हुए देखा, बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लास्ट मेमोरीज हो, बट यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। ये अपनी गाड़ी है, गाड़ी में बैठना है। ओह शायद मैं अभी गाड़ी को गैराज से बाहर निकाल लिया। गाड़ी ऑन होने का साउंड आ रहा है, बस गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट और गाड़ी चलने भी गई। ओके, गाड़ी निकल रही है बाहर, और हमारे पीछे कोई आ रहा है भाई। हेलो, ये क्या हो रखा है? हम खुद ही क्रिमिनल हैं या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ। वो एक्सीडेंट हमारा ही हो रखा था, ये डेथ लूप वाला सीन लग रहा है मुझे। ओके, अभी इतनी सारी अलग अलग आवाज आ रही है, कभी चिल्लाने की, भिड़ने की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को यार भी। ओ तो शायद हम लोग कहीं पर बेहोश होके गिरे हैं, आंख बंद होके खुल गई, और ये क्या सीन चल रहा है भाई। हेलो, ऑल डन। मैं वापस से उसी कंप्यूटर वाले रूम में आ गया हूँ, यहीं से मैंने प्लेन का टिकट उठाया था, और मैं चेक करूँ मेरे पास वो टिकट है कि नहीं। इन्वेंट्री, यस, मेरे पास फ्लैश लाइट और प्लेन का टिकट है, बट यार मेरे को दोबारा बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं, वो समझना होगा। ये वाला गेट मैंने ओपन कर दिया है। बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे, भाई पूरे को पूरे घर में पता नहीं क्या हरकतें हो रही है। ये यहाँ पर ये बंद हो, खाली बिली बंद चालू, दिमाग खराब, डरा रखा है। लाइट जलाए, लाइट अभी कोई नहीं चलने वाली। मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी कि इस घर में अब रोशनी कभी मेरे को देखने को मिलेगी। चुपचाप
यहाँ से बाहर निकलता हूँ भाई, बड़ी खतरनाक। अगर आप लोग साउंड को तेज करके इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे भाई कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। बाकी वाला बेडरूम पूरा ठीक था इसकी बेटी का, जो कि अभी टूट चुका है, ख़राब सा हो चुका है। ये वाला रूम ओपन नहीं हो रहा। बड़े वाले रूम में एक बार मेरे को जाना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर अंदर कुछ है। ये वाला बेडरूम भी पूरा गया भाई, सारे रूम टूट चुके हैं ऐसा लग रहा है। मतलब ओए, बाहर का तो नज़ारा ही नहीं दिख रहा अभी तक मेरे को। एक जगह पे अपना घर दिख रहा था, बट अभी हम लोग नीचे से ना कुछ हिलने की आवाज़ आ रही है ऐसे कुछ। ओ ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो इसकी चेन की जो कुर्र कुर्र करके जो आवाज़ होती है ना, मतलब लोहे की, बड़ा क्रीपी साउंड है यार ये सच्ची में। वेट, मैं पहले इस तरफ में चलता हूँ। ये वाला, ओ ये आग का लाइट है, मेरे को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने गैराज में ही जाऊँ क्या एक बारी, वापस से ट्राई करता हूँ। नहीं ये वाला नहीं था, गैराज कौन सा था यार, वो अपना बैकयार्ड से रास्ता था क्या उसका। ये वाला डोर ओपन होगा, ये भी ओपन नहीं होगा। अभी अपना घर इतना ज़्यादा डेंजर हो चुका है ना भाई साहब, मतलब बस लग रहा है कि अब एक पल बाद कोई ना कोई आएगा और धप्पा करके जाएगा मुझे। ऐसा लग रहा है कानों में भाई कुछ कुछ बोल रहा है धीरे से ऐसे, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ऐसी आवाज़ आ रही है भाई, जो है वो है, मैं वही बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एक गेट तो ओपन नहीं होगा, मुझे जाना कहाँ है। मैं अभी तक शायद इस वाले रूम में नहीं आया ना, एक बारी गेट ओपन करता हूँ। ओह नाइस, ये गेट ओपन हो चुका है, बट ये तो टीवी वाला रूम है ना, यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है। क्या मैं घर के बैकयार्ड पे जा सकता हूँ, मुझे एक बारी ट्राई करना चाहिए भाई। बहुत तेज हवा चल रही है और जो साइकिल वहाँ रखी हुई थी वो उठ के यहाँ आ गई है। मैं बैकयार्ड पे नहीं जा पा रहा क्योंकि ये जो स्लाइडिंग डोर है ओपन ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक रूम है जो कि शायद मैंने अभी तक नहीं देखा, बट इस रूम में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक बुक तो पड़ा हुआ है कुछ, उठा से मैं इसका पेज चेंज कर सकता हूँ। यस, डी से टर्न पेज, लाइट जलानी पड़ेगी, पता नहीं यार इन पेजेस की कोई तो मेमोरी है जो कि ओ लाइट है। अच्छा भाई, ओए ये गेट अपने आप बंद हुआ है भाई, ये गेट अपने आप बंद, कोई ओपन कर रहा है इस गेट को। ओए बंद कर इसे यार, ये ना गेट ओपन हो रहा है और ना लॉक हो रहा है भाई, कोई खींच रहा है, कोई अंदर आने वाला है। वेट वेट, कौन हरकत कर रहा है भाई, ये देखो वो लाइट बंद होगी अपने आप। मेरी फ्लैश लाइट कौन भाई, पीछे खिड़की से कोई ना जा, लाइट नहीं चल रही ये को। ये क्या है भाई, बाहर से कोई गया क्या, लाइट जल जा भाई, क्या हो गया। ओ जल गई, जल गई भाई, फाइनली लाइट जली, गेट ओपन हो रहा है, प्लीज तेज ओपन हो भाई। ओ देखो बाहर जाना, सारी पेंटिंग्स चेंज हो गई यार, पहले ये ऐसी पेंटिंग्स नहीं थी, ऐसी उल्टी सीधी भूत वाली पेंटिंग नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है। अभी तो सीन कुछ गलत ही हो चुका है, ये वाला डोर भी लॉक हो गया है, सारे दरवाजे जो पहले खुल रहे थे अब कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है। ये भी लॉक है, ये वाला ओपन हो गया एंड ये वाला भी लॉक है, और इधर कुछ लिखा हुआ है। भाई कोई गेट बहुत जोर से बंद, ये सब क्या है यार, बड़ा खतरनाक है। आई लुक इन द मिरर, आई सी ओनली अ हस्क, पता नहीं ये कोई कोड है या फिर क्या है मेरे। ओ तो ये है वो गैराज का रास्ता जहां पर मैं आ चुका हूं, मेरी गाड़ी गायब है। और यहां पर यार कहां से आवाज आ, वॉल क्रैक हो गई, ये क्या चल रहा है भाई। हेलो, मिरर का कुछ तो था वहां पे, यहां पर एक डोर लॉक है जो कि ओपन नहीं हो रहा, और ये मिरर है शायद से, इसको हटाऊं क्या मैं। ओ इस मिरर में कुछ तो दिख रहा है, ओए मैं मिरर के इस पार आ गया क्या शायद से। हाँ ये पूरा मिरर वर्ल्ड हो चुका है अभी। कीप आउट, ये बाहर जाने का रास्ता है, लेट्स गो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। पता नहीं अब तो मेरे को इस घर से बाहर निकलना है, मेरा मेन टास्क लग रहा है, प्लेन की टिकट भाड़ में जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, उस तरफ में कुछ तो रास्ता है शायद, मुझे वहाँ पर जाना होगा। क्या मैं इधर से तो नहीं जा सकता, बैक साइड में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा एरिया लॉक है। और इधर कुछ डब्बे वगैरह क्या देख रहा हूँ यार, मेरे को डब्बे से कोई मतलब थोड़ी है। क्या मैं इधर से जा सकता हूँ, तो मैं इन बॉक्स को स्लाइड करके साइड हटा के आगे जा सकता हूँ। बाकी यार यहाँ पर क्या उल्टे सीधे वेपन टूल्स रखे हुए हैं, और ये क्या है भाई। हेलो, यहाँ कोई रिचुअल चल रहा है क्या, ये सब क्या है भाई, कुछ तो बहुत ज्यादा गलत जगह पर आ गए। और ये वही मास्क है जिसने इसकी वाइफ को मारा है, और यही मास्क उसने पहन रखा था उस टाइम पे। और कैसी कैसी बुक्स है भाई, हेलो पूरा भाई
डीमन वीमन के बारे में ही लिखा होगा इसमें, मैं नहीं पढ़ रहा इसको कुछ ही। यहाँ पर एक रॉड लटका हुआ है और भाई मैं नहीं देख रहा, ये पता नहीं क्या है, मुझे करना क्या है इसके बाद, इसको पूरा पढ़ू क्या बैठ के मैं? डी टू टर्न पेज, सारे पेज ही टर्न करने शायद से मुझे। हु angry spirits are born in violent death. To set this spirit free, you will need to perform a ritual. For this ritual, you will find angry spirits are born in violent death. To set this spirit free, you will need to perform a ritual. Okay, हमें एक ritual ही करना होगा मुझे लग रहा था। For this ritual, you will need to gather the following objects belonging to the angry spirit. तो अभी इस ritual को करने के लिए जो जो part मुझे चाहिए उनकी यहाँ पर ये list है। Body of the deceased, यानी any part of the remains, और image of the deceased, और clothing worn in the eyes of God, an object of ancestral significance. Once collected cleans, the object will be fire and spread the ash over the site where they were slain. जहाँ पर उसे शायद चाकू मारा गया था, ये जो राख होगी इन सबको करने के बाद वो मुझे वहाँ पर ले जा के रखनी है। ये क्या लाइट पता नहीं क्या, ओछा नहीं, अरे तू चालू हो जाए तो बंद ही हो जा। हाँ ओए, अरे बंद चालू वाला है, साफ खराब है मुझे यार यहाँ से ना बाहर निकलना चाहिए, और जो भी ये सारा सामान है वो फटाफट से मुझे कलेक्ट करना होगा। सामने से कोई कौन आ रहा है भाई? ओए अंधेरा ही हो गया बिल्कुल। कोई आ रहा था मेरे को भी, वो दिख ही नहीं रहा है कांगड़ा, कोई रो रहा है यार बहुत बुरी तरह। ओ तो चलो गाइस, आज के इस वाली गेम प्ले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फ्लिक्शन का एपिसोड नंबर 1 जरूर पसंद आया होगा। ये गेम अभी एंड नहीं हुआ है, इसके बाद हमें ये सारा सामान जिसके हमें लिस्ट मिली थी वो कलेक्ट करके इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आना होगा, और फिर शायद हम लोग उस आत्मा को हटा पाएंगे और जो भी सीन है उसे खत्म कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इसके नेक्स्ट एपिसोड में भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, एम करते हैं 500,000 लाइक के लिए, तो लाइक गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में जाके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना इस गेम प्ले वीडियो का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।